ओके चले तो स्टार्ट कर लेते हैं यार। ये हमारा डिस्कशन हो जाएगा मॉक टेस्ट 5 का, ठीक है। मॉक टेस्ट 5 में यार फिजिक्स में कितने आए बताना, कोई फिजिक्स में आधे 40 40 40 है 40, सर। और इसको सतेज सर 32 है। ओके। तो मैंने कल कहा ही था ना कि थोड़ा सा लेंदी था पेपर, ठीक है। ये मॉक टेस्ट 5 का, चले डिस्कस कर लेते हैं पहले क्वेश्चंस के साथ। देखें पहला क्वेश्चन ही काफी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है, काफी ही ज्यादा अच्छा और बहुत ही नया कॉन्सेप्ट है पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो समझे नया कॉन्सेप्ट क्या है कि यार ये फिगर जैसे मैं बताऊं कि ये थिन लेयर है, एक दो लेयर्स हैं, ठीक है। तो अगर हमें बात करना है कि इंडक्शन प्रोसेस किस तरीके से काम कर रही है वो आपको समझना है, ठीक। तो पहली बात है कि क्वेश्चन में गिवन था कि यार टी जीरो पे इंडक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हमने मान लिया टी जीरो पे बिल्कुल नहीं होगा, बट हमने कंसिडर किया कि लेट्स से टी टाइम पे तो कुछ चार्ज हो चुका होगा ना। तो लेट्स से टी टाइम बाद अंदर कुछ माइनस क्यू होगा और सेम आपको पता है कि प्लस क्यू हो जाएगा बाहर वाले सरफेस पे, डन। अब प्रॉब्लम है कि ये चार्ज करंट के फॉर्मेट में यहाँ पर पहुंचा, ठीक है, एट टाइम टी पर हमने डिस्कस किया। तो अगर हम एट टाइम टी पर देखें जब इंड्यूस हो चुका है तो हम देखें कि इन दोनों सरफेस के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस रह जाएगा इन दोनों सरफेस के बीच में। तो वो डेल्टा वी देखें कितना हो जाएगा, वी टू माइनस वी वन, ठीक है। अब हमें सर क्यों लिखना है या बताएं। सर उन्होंने बोला कि वो कंडक्टिंग शेल है ना, तो हम ऐसा नहीं कंसीडर कर सकते कि मतलब दो शेल है और उनके बीच वायर कनेक्ट की हुई है। बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन कंडक्टिंग तो वो है बट इट इज हैविंग सम रेजिस्टिविटी ना, तो चार्ज को हाँ आप उस तरीके से फ्लो नहीं करने देंगे जैसे आपने वायर की तरह सोच लिया। उसने कंडक्टिंग इसलिए बताया हुआ है मटेरियल को कि आप वहां पर कोई डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक नहीं लेके आ जाए, ठीक है। हाँ हाँ तो हाँ सर रेजिस्टिविटी है, बिकॉज ऑफ रेजिस्टिविटी हम क्वेश्चन को सिंपल इंडक्शन नहीं सॉल्व कर सकते, हमें करंट एनालिसिस लगानी पड़ेगी क्योंकि रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हमें सिर्फ करंट में ही मिलता है, ठीक है। हाँ तो ये रेजिस्टेंस का सर फॉर्मूला रो एल बाई ए। तो मैंने क्या किया, दोनों का डेल्टा वी निकालने का ट्राई किया। सो पहले मैंने पहले सेल का वी लिखा, तो पहले सेल पे देखो अंदर वाले चार्ज का कंट्रीब्यूशन होगा, खुद सेल के वजह से होगा और एक आउटर सेल के वजह से होगा। तो ये सबको समझ में आया, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई आर, के क्यू बाई बी, क्यों, क्योंकि बाहर वाली शेल के लिए तो ये अंदर वाला पॉइंट है ना, तो मतलब तो उसके लिए तो पोटेंशियल क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। अब बात आई V2 के पॉइंट पे, तो V2 पे जब हमने निकाला तो एक अंदर वाले चार्ज की वजह से 2 पॉइंट पे, एक फिर शेल के वजह से 2 पॉइंट पे, और वो खुद शेल पर ही है तो उसका वही पोटेंशियल रहेगा। अब हमने V1 V2 को माइनस किया तो देखो ये टर्म तो कैंसिल आउट हो गया, ये जो आउटर सेल का था पोटेंशियल सिर्फ इन दोनों का बचा, तो उन दोनों को मैंने कर लिया क्यू माइनस दो, सॉरी क्यू नॉट माइनस क्यू आ गया और माइनस वन बाई ए वन बाई बी आ गया। अब चलते हैं कि जिस मटेरियल से ये चार्ज फ्लो होने वाला है उसका रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो रेजिस्टेंस देखें रो एल बाई ए हो गया, तो हमने मान लिया कि एक यहाँ पे एक डी आर आर डिस्टेंस पे डी आर लेंथ डी आर थिकनेस का एक एरिया मान लिया। तो हमने लेंथ कितनी मान ली, डी आर थिकनेस, ठीक है, और एरिया कितना हो गया हमारा 4 पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कुलर एरिया, डन। और इसे हमने ए टू बी तक डी आर को जो लेंथ है हमारी वो ए टू बी तक उसे इंटीग्रेट कर दिया। तो ये आ गया हमारा रेजिस्टेंस का। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि दो डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स को मिक्स किया, पोटेंशियल निकालने के साथ साथ आपको रेजिस्टेंस भी निकालना पड़ा, और अब आप लगा सकते हैं आई इज इक्वल टू डेल्टा वी बाई आर, ठीक है। तो आई को लिख सकते हैं डी क्यू बाई डी टी, और हमें यही चाहिए था क्यू एज अ फंक्शन ऑफ टी, डन। तो हमने ये रखा, के की वैल्यू रखी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई कैंसिल आ गया रो एप्सिलॉन नॉट, और क्यू क्यू माइनस क्यू नॉट को इस तरफ ले आए और डी टी को इधर। अब हमने न्यूटन में न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में बहुत जगह पे ये किया हुआ है, 1/Q का आएगा क्या एल एन आ जाएगा इंटीग्रेशन, माइनस भी बाहर आ जाएगा तो वो टी टू दी पावर में माइनस चला जाएगा, और फिर जो क्यू क्यू बाई क्यू नॉट आएगा क्यू इस तरफ चला जाएगा, फाइनल आंसर ये आ जाएगा कुछ, ठीक है। तो पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, जस्ट टी का फैक्टर देख लेना था तो सारे ऑप्शन सॉर्ट हो जा रहे हैं क्योंकि सारे ऑप्शंस में टी का फैक्टर एकदम अलग है। तो ये क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ऐसे क्वेश्चंस क्या होते हैं आप देखो याद ही करने पड़ते हैं आपको कि यार किस फॉर्मेट में हम अप्रोच कर सकते हैं, क्या क्या थॉट दे सकते हैं, ठीक है।
एग्जाम में तो ये फुल एडवांस लेवल क्वेश्चन है, मेंस में तो इस रेंज का क्वेश्चन कभी नहीं पूछेगा। चले क्वेश्चन नंबर टू बात करते हैं। टू किसी का सही था क्या? आगे सर। हाँ सेम क्वेश्चन मैंने नोट्स में बताया है कि मैक्सिमम एवरेज स्पीड अगर निकालनी है तो वी मैक्स होना चाहिए, और हमें पता है कि वी मैक्स होता है मीन पोजीशन के अबाउट। अब क्वेश्चन कहता है कि टी बाई सिक्स टाइम तक चाहिए, तो बेटा टी बाई सिक्स मतलब कितने डिग्री ट्रेवल चाहिए? 60 डिग्री ट्रेवल चाहिए। हमें पता है वी मैक्स होता है मीन के अबाउट, तो 30-30 डिग्री ट्रेवल इधर उधर करा दो, और 30 डिग्री ट्रेवल का मतलब साइन 30 का मतलब होता है ए बाई टू डिस्टेंस ट्रेवल की। इसका मतलब टोटल डिस्टेंस कितनी ट्रेवल की? a by 2 plus a by 2, और टाइम लिया उसने t by 6, तो ये आ गई v एवरेज। ठीक है, तो ये काफी अच्छा थॉट था। थर्ड क्वेश्चन कंस्ट्रेंट रिलेशन की बात करते हैं। तो कंस्ट्रेंट रिलेशन में थ्रेड यहाँ से लगा हुआ है इस तरीके से, ये थ्रेड है, यहाँ पे रिंग है, और इस तरीके से थ्रेड आ रहा है। तो मैंने थ्रेड रिलेशन में बताया तुरंत थ्रेड को अलग कर दो और वी लिख दो। ठीक है, तो देखो ये वाला थ्रेड मैंने अलग कर दिया, ये थ्रेड और ये वाला एक थ्रेड अलग कर दिया, डन। ये दोनों थ्रेड को मैंने अलग लिख दिए। अब ये वी आगे जा रहा है अलोंग द थ्रेड, तो ये हो गया अलोंग द थ्रेड वी नॉट। बट ये जो अलोंग जा रहा था, अब मैंने यहाँ पे सारे एंगल्स दिखा दिए, सब लोग ये एंगल दिखा लेंगे ना, ये 60, ये 60, ये 30, ये 30, तो फाइनली पता चल जा रहा है कि ये जो लाइन है इस वाले थ्रेड की वो वी नॉट से 60 डिग्री पर है। तो मतलब ये इसके अलॉन्ग क्या आएगा? वी का, वी नॉट का 60 डिग्री वाला कंपोनेंट। अच्छा, फिर ये जो वी टू है जो हमें क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इससे भी 60 डिग्री में थ्रेड है, तो ये भी हो गया 60 डिग्री में। अब हम कर सकते हैं, कंप्रेस करने वाले को क्या कर दिया? पॉजिटिव कर दिया। ये तो आगे खींच रहा है मतलब इलांगेट कर रहा है, तो निगेटिव कर दिया। फिर यहाँ पर तो एंड है, ये तो जीरो है, बट ये थ्रेड तो इलांगेट कर रहा है ना, तो ये वी नॉट से इलांगेट कर रहा है। दोनों में थीटा की वैल्यू रख दी, हमें वी टू पता चल गया इन टर्म्स ऑफ वी वन। किसी का करेक्ट था क्या ये सर? वो वी नॉट, वो जो सिर्फ वी नॉट का कंपोनेंट है ना, वो मिस हो गया था, तो वन लिखा। अरे यार, इस थ्रेड को ही नहीं ध्यान दिया क्या? क्वेश्चन नहीं रीड किया? हाँ हाँ। अरे सर, मतलब वो रॉड जैसा कंसीडर किया और उस पे एक रिंग पे वो थ्रेड फिक्स की हुई है ऐसा लगा। अरे नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन वॉल से थ्रेड फिक्स किया हुआ है। क्वेश्चन रीड करेंगे, अदर एंड ऑफ थ्रेड इज फिक्स्ड विद द वॉल, वॉल से फिक्स किया है। ऐसा एक क्वेश्चन डीसी पांडे में था, याद है? मैं क्वेश्चन बना रहा हूं कि इस तरीके से दो रॉड्स थे और उसमें एक रिंग इस तरीके से यहां पर थी और दूसरी रिंग इस तरीके से इंक्लाइन थी। उसमें सिर्फ ये इंक्लाइन नहीं लेना, वो ऊपर तक थी पूरी। ठीक है, तो वो चीज था। सेम क्वेश्चन था, उसमें भी कुछ स्टूडेंट सिर्फ यही वाला थ्रेड ले लेते हैं और कुछ अजीब सा आंसर निकाल देते हैं। दो थ्रेड है। हाँ। ठीक है, ओके। हाँ सर। चले सो नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आते हैं। ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन था, तीनों को सीरीज में कनेक्ट किया, तो हमने सबसे पहले से इक्विवेलेंट निकाल लिया वन बाई करके, ये तो सब निकाल लेंगे, आ गया टू। अभी पॉइंट ये है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में सीरीज में अगर किसी कैपेसिटर में सबका अपना ब्रेकडाउन चार्ज होगा कि किस वैल्यू पर सारे कैपेसिटर ब्रेकडाउन हो जाएंगे। ठीक है, तो हमने देखा कि कौन सा कैपेसिटर मैक्सिमम कितना चार्ज स्टोर कर सकता है। ठीक है, तो लेट से सबका आपका वोल्टेज दिया हुआ है, तो हमने निकाल लिया कि सब लोग कितना चार्ज स्टोर कर सकते हैं। तो देखिए, ये 40 कर सकता है, ये 72, ये 48। तो अगर आपने सिस्टम में, बिकॉज सीरीज में क्या होता है, चार्ज सबको सेम मिलता है, तो अगर आपने 40 से ज्यादा चार्ज फ्लो कराया तो Q1 खराब हो जाएगा। तो इसका मतलब मैक्सिमम लिमिट कितनी है हमारी चार्ज की? 40 हम अलाउ करा सकते हैं। तो अब Q is equal to C1 लगा दिया हमने, तो V की वैल्यू आ गई कि कितना पोटेंशियल होना पड़ेगा पूरा सी इक्विवेलेंट के लिए। ठीक है, तो ये सीरीज में ध्यान देनी थी कि सीरीज में चार्ज सेम रहेगा तो किसी भी कैपेसिटर में आप उसकी लिमिट से ज्यादा चार्ज नहीं भेज सकते। ये करेक्ट था क्या किसी का? हाँ सर। हाँ सर। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 तो यार स्ट्रेट है, मैंने बताया, और ऑप्टिक्स के क्वेश्चन तो सबसे अच्छे होते हैं, स्कोरिंग होते हैं, ज्यादा कुछ करना नहीं है, सारे फॉर्मूले बेस्ड होते हैं, मतलब एटलीस्ट जो मैंने पढ़ाया उस तरीके से तो फॉर्मूले बेस्ड करा दिया है सर। तो यार पहले तो देखो इनकी लोकेशन दी है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज, तो क्या निकाल लेंगे अपन? मैग्निफिकेशन निकाल लेंगे। ऑब्जेक्ट ऊपर है और इमेज नीचे है, तो इमेज है 9 और ऑब्जेक्ट है 9, इनका वाई कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो एम आ गया 1/3। अब हमें क्वेश्चन में पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर मतलब फोकल लेंथ, और गिवन क्या है, यू या फिर वी,
तो डायरेक्ट हम का कोई भी फॉर्मूला लगा लो, इधर u वाला लगा लो या फिर v वाला, मैंने u वाला लगा दिया है, ठीक है, f by f minus u, और वैल्यू रख दी, u की वैल्यू कितनी है, जो भी ये वैल्यू है यहाँ पर, ये वैल्यू u की रख दी, ठीक है, तो u की वैल्यू रख दी और f की वैल्यू सॉल्व कर दी, तो यहाँ से 2f की वैल्यू आ रही है 9, 2f मतलब वही रेडियस है हमारा, ठीक है। चलिए, तो यार ये पता होना चाहिए था, मैंने ब्रिस्टर में फिगर बनाया भी था कि यार ये जो प्लेन में हिट होती हैं, ये जो परपेंडिकुलर है, ये जो प्लेन में आ रही हैं, ये प्लेन एब्जॉर्ब कर देता है इसको, तो ये वाली हट जाती है, सिर्फ इन एंड आउट वेक्टर बचता है, क्लियर। तो जब ब्रिस्टर लॉ के अकॉर्डिंग पोलराइज होती है रिफ्लेक्टेड लाइट, तो उसके जो पोलराइजेशन एक्सिस बचती है वो कहाँ वाली बचती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इन एंड आउट, ठीक है। अब मुझे पता है ए वेक्टर पता है, मुझे एन वेक्टर पता है, ये दो वेक्टर मुझे पता है, तो मुझे एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों के परपेंडिकुलर प्लेन में हो, उसी प्लेन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो हमें पता है ना, दोनों का परपेंडिकुलर अगर चाहिए तो क्या कराते हैं बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट कराते हैं। तो हमने एक वेक्टर फाइंड कर लिया जो क्या करा दिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करा दिया। अब हमें क्या चाहिए, कैप वेक्टर चाहिए था, तो हमने वो वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड करवा देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी, हमारा यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्योंकि हमसे सिर्फ डायरेक्शन पूछा है, ठीक है, कि किस डायरेक्शन में पोलराइज हुई है लाइट, ठीक है ना यार। तो ये थोड़ा एक अलग क्वेश्चन था, अलग ही टाइप था, मे बी किसी का करेक्ट था क्या ये? नहीं है सर। नहीं भाई, ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं, सीख लेंगे इस चीज को। मैंने वेक्टर्स फॉर्मेट समझाए थे वैसे, बट मैंने कोप्लेनर के बारे में बताया था, रिफ्लेक्शन में कोप्लेनर प्रूव करने के लिए तीनों का, इन दोनों का क्रॉस और एक का डॉट जीरो कर देते हैं, बट यहाँ पे कोप्लेनर नहीं, यहाँ पे ये वेक्टर ही पूछा है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ही बताओ, ठीक है, तो इसलिए हमने बस क्रॉस करा के निकाल लिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एम है, एक फोर एम है, और जे से हमने हिट किया है, तो इसका सेंटर ऑफ मास हमें पता है, डायरेक्टली निकाल लेंगे, एल लेंथ है अगर, तो होता है ना एम टू बाय, अगर m से निकालना है डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, m2 by m1 plus m2, so 4 by 5 हो जाएगा सेंटर ऑफ मास, ये हो जाएगा इसका सेंटर ऑफ मास, तो इसका मतलब ये एक एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड कर रहा है ना, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लगा सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, j into l by 5, इसने इतना एंगुलर मोमेंटम प्रोवाइड किया इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम। अच्छा एक चीज और, सिस्टम को लीनियर स्पीड भी मिलेगी तब हम लीनियर मोमेंटम को इक्वल कराएंगे, j इज इक्वल टू डेल्टा m भी करेंगे, बट क्वेश्चन में खैर लीनियर स्पीड नहीं पूछा, तो हम सिर्फ एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करा रहे हैं। अब हमें आई लिखना था, तो आई हो गया एम आर स्क्वायर, 4l बाई 5 और इसका l बाई 5 का एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से आई हमने सॉल्व कर दिया और ओमेगा की वैल्यू आ गई, बट क्वेश्चन में पूछा है कि किसी एक चार्ज पे टेंशन कितनी होगी, तो किसी भी चार्ज पे टेंशन निकाल लो, मान लो सॉरी किसी भी मास पे टेंशन निकाल लो, मान लो हमने एम पे किया, तो अगर ये चीज ओमेगा से घूम रही है, ये सिस्टम अगर ओमेगा से घूम रहा है, तो इसको एम ओमेगा स्क्वायर आर जितना सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक लगेगा एज अ टेंशन, तो एम ओमेगा स्क्वायर इनटू आर जितना फोर्स लगा, हमने आर की वैल्यू रख दी, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू आ गई। ये करेक्ट था क्या, कितने लोग का करेक्ट था? आ गया सर से। ठीक है, ओके गुड, चले नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 यार सिंपल है, मैंने बार बार बताया कि कितना लिक्विड स्पिल होगा, कैसे चेक करेंगे, तो देखो लिक्विड कितना एक्सपेंड हुआ माइनस कंटेनर कितना एक्सपेंड हुआ, दोनों को माइनस कर देंगे वैल्यू आ जाएगी। तो अगर हम देखें तो लिक्विड कितना एक्सपेंड हुआ, तो यार सारे लिक्विड का जो गैमा है वो अलग अलग है, तो हमने सबके वॉल्यूम अलग अलग ले लिए, तो एक का हो गया वी बाई 3 इंटू गैमा, एक का हो गया वी बाई 3 इंटू 2 गैमा, एक का हो गया वी बाई 3 इंटू 3 गैमा, बिकॉज सब एल बाई 3 है, और जो पूरा कंटेनर है वो v वैल्यू में, बट उसका गैमा 3/2 है, तो उसका गैमा 3/2 रख दिया, सॉल्व कर दिया, तो आ गया हाफ गैमा v गैमा डेल्टा t स्पिल वैल्यू, ठीक है, v की वैल्यू हमने a into l रख दी। ओके क्वेश्चन नंबर 9, डायरेक्ट क्वेश्चन नोट्स का बार बार सिखाया है कि यार कैपेसिटर में दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, याद है ना, दो टाइप के, तो एक बार अगर सिंगल सेल है, मतलब ये डबल सेल नहीं है, तो सिर्फ आंसर क्या होता है, 4πε0R, जैसे हमने अर्थ का डिस्कस किया था। फिर हमने दो केसेस डिस्कस किए थे कि अगर एक आउटर वाले को हम मान रहे हैं न्यूट्रल और एक में हम इनर वाले को न्यूट्रल मान रहे हैं, ठीक है, तो
बताया था कि अगर आउटर वाले को न्यूट्रल मान रहे हैं तो आर वन आर टू यूज होता है, ठीक है, और अगर इनर वाले को यूज कर रहे हैं तो इनर वाला तो चला जाता है, सिर्फ आउटर का काम आता है, मतलब बाहर वाली रेडियस यूज होती है, ठीक है। तो इसमें हमने किया यार, ये हो गया हमारा आर वन और ये हो गया आर टू, और आर टू माइनस आर वन, यहाँ पे सीधा आर टू का स्क्वायर ही हो जाता है, ठीक है। दोनों का सी निकाल दिया, दोनों का रेशियो निकाल दिया, यार ये याद रहना चाहिए, बेस्ट था। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, हाँ, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव हो रहा है सिस्टम और फिर हमने थ्रो किया है, तो ऑफ कोर्स अगर हम ग्राउंड से देखेंगे तो हमें सूडो लगाना पड़ जाएगा। तो देखो उस ऑब्जेक्ट पे एक ए का सूडो लग रहा है और जी लग रहा है। अब समझना यार, ये जो सारे फिगर है, इसमें ये जो डी फिगर है ये सिमेट्रिक अबाउट दिस मैक्सिमा है। तो सिमेट्री ये बता रही है कि ये इस तरफ और इस तरफ, इसका नेचर सेम था, इसकी डिस्टेंस सेम थी, बट अगर वो एक्सेलरेटिंग है तो कभी भी ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता है। सिमेट्री कब पॉसिबल है, जब हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन ना हो। अब थॉट ये है कि और हॉरिजॉन्टल में इसे कोई बैलेंस ही नहीं कर सकता ना, इसे को कोई बैलेंस कर सकता है क्या, नहीं। तो ये सिंपल प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन तो बनेगा ही नहीं। अब बात करते हैं, एक डाउट होता है कुछ लोगों को सी में, कुछ लोग को लगता है स्ट्रेट लाइन कैसे चला जाएगा, तो समझे सी वाला इंपॉर्टेंट है। कैसे कि सोचो अगर ए और जी की वैल्यू कुछ इस तरीके से हो जाए कि वो इस डायरेक्शन में आ रहा है उनका नेट रिजल्टेंट, तो पता है ना कि अगर नेट रिजल्टेंट यू से कोई एंगल नहीं बना रहा है तो वो रिटायर्ड होता रहेगा, बट डायरेक्शन क्या बनाएगा, वो एक स्ट्रेट लाइन। तो ये सी ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन बहुत इजी था, बट इसका जो ये सी वाला फिगर है ये आपसे कहीं ना कहीं पूछा जा सकता है, ठीक है। इसका अपना सिग्निफिकेंस अच्छा है, क्या कि ये जो सूडो और जी है ये जब सेम एंगल बना लेंगे यू के साथ तो यू को ये डेविएट करना बंद कर देंगे, सिर्फ यू कम और ज्यादा ही होगा, ठीक है। तो जाएगा और फिर थोड़ी देर में आ जाएगा, ठीक। ओके, नेक्स्ट 11 देख लेते हैं। अच्छा, 11 भी काफी अलग ही टाइप का कॉन्सेप्ट था, सरफेस टेंशन को छोड़ के हम इलेक्ट्रिक फॉर्मेट में यहाँ पर चले आए थे, कैपेसिटर में चले आए थे, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बताया कि यार 8 ड्रॉप्स से हमने एक बड़ा वॉल्यूम बना लिया, ठीक है। तो यार 8 टाइम्स वॉल्यूम बन गया बड़ा वॉल्यूम, तो ये तो सबसे बेसिक नॉलेज है, ये सबको करके रख लेना चाहिए कि यार 8 टाइम्स ऑफ 4/3 πr³ इज 4/3 πr²³, 4π कैंसिल। तो अब देखो यार, ये जो आर टू आ गया वो 2 times ऑफ r1 हो गया, मतलब वो जो ड्रॉप है बहुत बड़ी नहीं दिखेगी, उसकी रेडियस जस्ट डबल हुई होगी। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं सिस्टम के बारे में, कि यार ये जो सिस्टम है ये आइसोलेटेड है, क्योंकि इन ड्रॉप्स का किसी के साथ कोई रिलेशन नहीं बता रहा है, सिर्फ एनर्जी दे दी है, बस बात खत्म। तो अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम है तो इन पे क्या कांस्टेंट रहना चाहिए था, क्यू, इनका चार्ज कांस्टेंट रहना चाहिए था। इसका मतलब ये जो छोटी छोटी ड्रॉप्स का चार्ज था वही चार्ज होना चाहिए बड़ी ड्रॉप का। तो छोटी छोटी ड्रॉप में 8 ड्रॉप्स थी, तो 8 × q को लिख सकते हैं c1v1 is equal to हो गया c2v2, ठीक है। दूसरा, अगर बात करें कि c1 की वैल्यू क्या है, तो 4π, मैंने बताया कि अगर एक स्फीयर है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं 4π ε₀ × r, so 8 × 4π ε₀ × r1 × v1 is equal to v2 की भी लिख सकते हैं। अब v2 में r2 क्या होता है, r2 होता है 2r1 जितना, तो हमने ये 2r1 रख दिया और कट किया, तो इससे पता चला कि यार v की वैल्यू कितनी है, तो इससे पता चला कि वो जो बड़ी ड्रॉप है उसका पोटेंशियल पहले वाले के रेस्पेक्ट में 4 times हो जाएगा। उसका c हमें दिख ही रहा है कि पहले वाले का r1 है और दूसरे वाले का r2 2 times है, इसलिए उसका 2c हो जाएगा। तो अगर हमें एनर्जी की बात करें कि यार पहले वाले की एनर्जी ½ cv² कुछ e₀ थी, तो बाद वाले की c₂² होगी, तो c₂ इज 2 times एंड दिस पोटेंशियल इज 4 times, ठीक है। तो इस तरीके से हमने उसका स्क्वायर कर दिया इसमें कि पोटेंशियल कितना टाइम्स हो जाएगा और कैपेसिटेंस कितना टाइम्स हो जाएगा, दोनों की वैल्यूज कंपेयर करके वैल्यू निकाल दी, ठीक है। तो ये आंसर आ रहा है ये, तो मे बी आई गेस इस क्वेश्चन का आंसर गलत था, आंसर शायद 16 आ रहा था, कुछ हमारा 32 आ रहा है, ठीक है। तो 32 करेक्ट आंसर रहेगा, 32 ही दिया है, सही आया था सर। ओके ओके, ठीक है, हाँ ठीक है। तो ये समझ में आया ना यार, ये ड्रॉप के बारे में हम आइसोलेटेड सिस्टम को क्यू मान के कर लेंगे तो बेटर रहेगा हम लोग के लिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं।
तो यार वन ईयर कैलिपर्स का क्वेश्चन है, लीस्ट काउंट हम निकाल लेंगे अलग से क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 10 वन ईयर 8 से ही मैच हो रहा है, तो देखिए लीस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, 1 मेन माइनस 1 वन ईयर स्केल डिवीजन। तो क्वेश्चन में गिवन है 10 वन ईयर है 8 मेन स्केल के, मतलब 1 वन ईयर का वर्थ कितना हुआ 8 बाई 10 मेन स्केल का। अब ये जो वन ईयर है यहां से हम हटाएंगे 1 वन ईयर का, मेन में कितना वर्थ 8 बाई 10 रख दिया, सॉल्व किया तो 10 बाई 8 आ गया 2 बाई 10 ऑफ मेन स्केल। मेन स्केल का वर्थ क्वेश्चन में गिवन है कि यार ये मेन स्केल 1 mm का है, तो हमने 1 mm रख दिया, तो ये पता चल गया कि यार ये जो वर्नियर है इसका लीस्ट काउंट थोड़ा सा कम है, ज्यादा अच्छा नहीं है, इट इज 1/5 mm। ठीक है, अब क्वेश्चन में हमें रीडिंग पता है कि ये है, तो हमने इसे mm में कन्वर्ट किया और वर्नियर की रीडिंग क्या हो जाएगी, ये सेकेंड वाला टर्म, बाकी तो ये मेन स्केल की रीडिंग है, तो ये हो गई वर्नियर स्केल की रीडिंग। और वर्नियर की रीडिंग आती कैसे है बेटा, आती है वर्नियर की रीडिंग क्या है इनटू लिस्ट काउंट, वो आती है फाइनल वर्नियर की वैल्यू। तो इससे पता चल गया लिस्ट काउंट की वैल्यू हमने रख दी और वर्नियर के डिविजन्स आ गए। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्वेश्चन लिस्ट काउंट निकालने का था, जिसको लिस्ट काउंट अगर निकल आया है तो उसका काम बन जाएगा। ठीक है, लिस्ट काउंट मेन था, तो लिस्ट काउंट किसी ने निकाला था क्या, कोई स्टूडेंट जिसने लिस्ट काउंट निकाल लिया था? आगे ओके ओके गुड 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 हो गया ओके। क्वेश्चन 13 की बात कर लेते हैं, ज़ीनर का क्वेश्चन, मैंने बार बार समझाया ज़ीनर के क्वेश्चन में उल्टा शुरू कर देते हैं ज़ीनर के बारे में सॉल्व करना। ठीक है, तो देखिए ज़ीनर के क्वेश्चन में क्या था कि ज़ीनर के बारे में दिया है इसका वोल्टेज है 3 और पावर मैक्सिमम ले सकता है 18, तो हमने इसी को पिक किया क्या, वोल्टेज है 3 पावर ले सकता है 18, तो हमने उससे क्या निकाला उसका करंट निकाली, यार ये ज़ीनर की मैक्सिमम करंट कितनी पॉसिबल है, तो ज़ीनर में जो करंट जा रही है वो जा रही है कितनी 6 एम्पियर की। ठीक है, अब हमें पता क्या, इस वायर में अगर 6 एम्पियर की करंट है तो इस रेजिस्टर ने कितना वोल्टेज कंज्यूम कर लिया होगा, तो ये हमने लगा दिया I इंटू R, सो 6 इंटू ये हाफ किलो वैट का है, सॉरी हाफ किलो ओम का, तो आ गया 3 वोल्ट। तो इसका मतलब ज़ीनर भी 3 वोल्ट ले रहा है और ये रजिस्टर भी 3 वोल्ट ले रहा है, तो इसका मतलब ये जो ब्रांच है इसने कितना वोल्ट कंज्यूम कर लिया, 6 वोल्ट कंज्यूम कर लिया, इसका मतलब R2 के अक्रॉस भी कितना होगा 6 वोल्ट होगा। तो अगर हमने बात करें कि PQ ने कितना कंज्यूम कर लिया, 6 वोल्ट कंज्यूम कर लिया, तो हमें R2 में भी करंट आ जाएगी ना, तो R2 में करंट कितनी आ गई, 6/1 कर दिया, 6 मिली एम्पियर आ गई। तो 6 करंट इसमें भी जा रही थी, 6 करंट इसमें भी जा रही थी, मतलब इसमें कितनी जाएगी 12। ठीक है, तो R1 के क्रॉस कितना जा रहा है 12, सो 12 इंटू R कर दिया हमने, I इंटू R आ गया 12 वोल्ट। तो ये R2 कितना कंज्यूम कर रहा है, R1 कितना कंज्यूम कर रहा है 12, और ये दोनों कितना कर रहे हैं 6 6, दोनों पैरेलल में तो 6 ही करेंगे, 12 और 6 कितना हो गया 18 वोल्ट। तो इसका मतलब ये है कि 18 वोल्ट से अगर कम रहेगा तो ज़ीनर का कुछ काम है ही नहीं। ठीक है, क्योंकि ज़ीनर हमेशा अपने मैक्स पोटेंशियल पर काम करता है, उससे ज्यादा अगर कुछ हुआ तो ज़ीनर खराब नहीं होने देता। क्लियर, तो इसका मतलब ये है कि अगर वोल्टेज 18 वोल्ट से आपने ज्यादा लगाया तो ज़ीनर बचा लेगा, सर्किट को खराब होने नहीं देगा। ठीक है, तो सबको क्लियर है ना यार क्या सिचुएशन होगी। ओके चले 14 नंबर बात करते हैं कि यार दो पेंडुलम थे, ठीक है, उन दोनों को हमने मीन पोजीशन पे स्टिक करा दिया, दोनों को साथ में मिला दिया है, तो यार मीन पोजीशन पे हमने मिला दिया है, तो मीन पोजीशन पे तो दोनों के पास अपने एनर्जी रही होगी ना, अपनी मैक्सिमम एनर्जी रही होगी दोनों के पास। अब हमने इस तरीके से उनको फिक्स किया, हिंज किया हुआ है, तो इसका मतलब क्या रहा होगा, जो टॉप पॉइंट है उसके अबाउट टॉर्क तो बैलेंस रहा ही होगा। ठीक है, तो इसका मतलब अगर फ्रिक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ है तो कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ होगा, अगर दोनों ही मैक्सिमम स्पीड पे हैं तो इसका मतलब कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है, तो अगर कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हुआ है तो उनकी जो भी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी, दोनों को मिला के जितनी होगी उतनी अकेले उसको मिल जाएगी, तो यहां से पता चल जाएगा यार उसको ओमेगा कितना मिल जाने वाला है। ठीक है, चलो तो ये भी अच्छा है, ये वाले में थोड़ा यूनिट बैलेंस किया तो भी हो जाता है। हाँ सही, वो तो हमेशा मतलब दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं, दो ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं और मतलब फिर थोड़ा सॉल्व करने पे सी आ जाता है। ओके ग्रेट, ठीक है, हाँ मतलब वो तो कर सकते हैं, मतलब ये हमेशा क्राइटेरिया है कि कुछ चीजों में यूनिट और ये सारी चीजें तो थॉट देते हुए ही चलते रहना चाहिए। ठीक है, हाँ सर। चलिए 15 बात करते हैं, 15 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब
इलास्टिसिटी का काफी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं आप। देखें यार, क्वेश्चन का मेन क्रक्स बताते हैं कि थॉट क्या है कि यार दोनों में तो स्ट्रेस सेम होनी चाहिए, बट क्वेश्चन बोल रहा है कि दोनों में स्ट्रेस सेम है बट किस तरीके से मैक्सिमम स्ट्रेस सेम है, मतलब जो स्टेप्ड रॉड में मैक्सिमम स्ट्रेस है वो सेम है दूसरी रॉड में। मतलब अगर मैं बात करूं कि लेट से मैंने F1 लगा दिया, तो अगर मैंने F1 लगा दिया तो एक स्ट्रेस आ जाएगी सिग्मा इज इक्वल टू F/A करके, यहाँ पर सिग्मा इज इक्वल टू F/A की स्ट्रेस आ जाएगी, बट यहाँ का तो एरिया कम है ना, अगर यहाँ का एरिया कम है तो स्ट्रेस ज्यादा कहाँ पर है, इसके पास है, तो इसका मतलब ये जो थिन वाला एरिया है यहाँ पर जो स्ट्रेस होगी वो वाली स्ट्रेस लगाई गई है इसमें, इसलिए इसका देखो F2 बदल गया है। तो सबको ये थॉट देना है कि ये जो छोटे वाले एरिया पे सिग्मा है वो हमारा मैक्सिमम सिग्मा है, ठीक है, जो छोटे वाले एरिया पे सिग्मा है वो हमारा मैक्सिमम सिग्मा है, और वो वाला सिग्मा हम दूसरे वाली रॉड पे लगाएंगे। तो देखो हमने एज्यूम कर लिया कि ये जो थिन एरिया है वो A1 कितना है 5, A2 कितना है 10 और A3 भी है कितना 10, ठीक है। अब एनर्जी निकालना है तो पहले एक बार तो सबका सिग्मा लिख लेते हैं सही से, तो सिग्मा इज इक्वल टू F/A, ये F1/A, ठीक है, अगर एरिया कम होगा तो सिग्मा बढ़ेगा, तो मैक्सिमम किसके लिए A1 के लिए हमने चेक कर लिया है। अब बात करते हैं कि यार A2 के लिए फिर कितना होगा, क्योंकि A3 का तो कंफर्म है, क्वेश्चन में दिया है कि ये जो स्टेप्ड रॉड का मैक्सिमम सिग्मा है वही सिग्मा दिया गया है A3 वाले को, फुल रॉड को, तो हमें बात करना है कि ये A2 एरिया में कितना स्ट्रेस होगा। तो वो होगा बेटा A2 एरिया का स्ट्रेस लिखें तो होगा F1 फोर्स बट एरिया किसका A2 का, यार F1 की तो वैल्यू नहीं पता बट सिग्मा के टर्म्स में तो लिख ही सकते हैं ना, F1 को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इनटू A1, ठीक है, तो यहाँ से A1 कितना है 5 और A2 कितना है 10, मतलब आ गया कितना सिग्मा बाई 2, मतलब इस वाले पे स्ट्रेस कितनी है हाफ है, ठीक है। इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि अगर F1 पता है तो F2 बताओ, तो आप इस तरीके से कंपेयर भी कर सकते थे कि F2 भी निकाल लेंगे। ओके, अब क्वेश्चन के क्राइटेरिया पे आते हैं कि क्वेश्चन के फॉर्मूले में हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर बाई 2y इनटू वॉल्यूम। अब क्वेश्चन में दिया है कि स्टेप्ड का 40% जो है वो यूनिफॉर्म का 40% है, स्टेप्ड इज 40% ऑफ यूनिफॉर्म। तो मैंने स्टेप्ड का सॉल्व किया, देखो सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2y, ये हुआ जो थिन वाला पार्ट था उसकी लेंथ कितनी है 1 - x और उसका एरिया क्या है A1। फिर हमने बात की वो जो थिक वाला पार्ट था उसमें स्ट्रेस कितना था सिग्मा बाई 2 और उसका एरिया था कुछ A2 और डिस्टेंस हमने x, हमें x ही फाइंड करनी थी। फिर ये 40% मतलब हो गया 2/5 और ये किसका सिग्मा स्क्वायर बाई 2y और वो जो फुल यूनिफॉर्म है इसलिए हमने पूरी लेंथ क्या यूज कर ली 1, ठीक। सिग्मा बाई 2y ये सब कैंसिल आउट हो गया, A1 A2 की वैल्यूज रख दी, A1 की वैल्यू कितनी है 5 और A2 की वैल्यू क्या है 10, ठीक है, A2 की वैल्यू क्या है 10, तो 10 रख के हमने सॉल्व कर दी और यहाँ से x की वैल्यू आ गई 0.4। तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था क्योंकि इसमें सिग्मा सोचना इम्पोर्टेंट था, सिग्मा के बारे में सही इंटरप्रिटेशन लगाना था, फिगर अच्छे से दे दिया था कि F2 है यहाँ पर, अदरवाइज कई कई बार स्टूडेंट इसको भी सिग्मा मान लेते हैं इसको भी सिग्मा मान लेते हैं तो वो फिर प्रॉब्लमेटिक हो जाता आपके लिए, इसलिए इसमें F1 F2 डिफरेंट दिया हुआ है। तो जो पहले का मैक्सिमम सिग्मा था वो दूसरे को दिया गया है, ऐसा हमें अज्यूम करना है। तो अगर हम बात करें तो इस पेपर में काफी सारे लेंथी क्वेश्चंस डाले गए हैं, ठीक है। चले तो 16 की बात कर लेते हैं, 16 में अगर देखें तो काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या थॉट है कि यार ये जो हेमिस्फीयर है इसे हमें बैलेंस करना है, ठीक है। तो देखो यार अभी थोड़ी देर पहले एक हेमिस्फीयर वाला क्वेश्चन 4 में देखा था कि यार जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है उसके अबाउट बैलेंस कर दो, तो वेट गिराने का ट्राई करेगा, वेट इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दिख रही है ना, हाँ तो ये हमने लगा दिया, बट हमें अभी पता है कि इस बार कौन बैलेंस कर रहा है उसे, पी बैलेंस कर रहा है ये पी, ठीक है। तो देख लेते हैं यार कि ये डिस्टेंस तो पूरी कितनी है आर, ठीक, और ये जो डिस्टेंस है अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगी आर साइन थीटा, तो ये जो बाकी रिमेनिंग डिस्टेंस पी के लिए बचेगी वो बचेगी आर माइनस साइन थीटा। तो हम टॉर्क बैलेंस कर रहे हैं, देखें वेट इनटू आर साइन थीटा और पी के साथ क्या रखेंगे आर माइनस आर साइन थीटा, डन। तो यहां से फिर हमने इस तरफ लेके गया और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ गई ये,
अब यार कॉमन सेंस है ना, सिखाया ना मैंने, अगर साइन थीटा दिया है तो उसे परपेंडिकुलर और डायगोनल में रख दिया, बेस आ गया, टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी, और हमें पता है म्यू ही क्या होता है, टेन थीटा होता है, तो डायरेक्ट हमारा आंसर आ गया। तो काफी थॉटफुल क्वेश्चन था, अगर आपने प्रॉपरली ध्यान दिया कि यार हमारे पास एक ही आइडिया बचता है टॉर्क बैलेंस का, तो आराम से काम बन जाता है, तुरंत हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है यार 16 क्वेश्चन में, समझ आया ना टॉर्क बैलेंस? अच्छा एक चीज और, मैंने ये डॉट दिखाया है, पहले मैं सोच रहा था कुछ सेंटर ऑफ मास का काम पड़ेगा, अबाउट सेंटर ऑफ मास टॉर्क बैलेंस करेंगे, बट सोचो अबाउट सेंटर ऑफ मास अगर बैलेंस करने लग गए तो पी और फ्रिक्शन में रिलेशन आने लग जाएगा। तो अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ पूछता कि फ्रिक्शन की वैल्यू पूछता इन टर्म्स ऑफ पी वगैरह, तो फिर हम सेंटर ऑफ मास के अबाउट बैलेंस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है? चले 17 में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। तो यार ये तो बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था डॉपलर का, हमने बार बार सिखाया है कि अगर वॉल से रिफ्लेक्शन हो रहा है तो इधर विद रेस्पेक्ट टू वॉल सॉल्व कर दो, या अगर विद रेस्पेक्ट टू वॉल नहीं सॉल्व करना है तो टू स्टेप सॉल्व कर दो, बिकॉज इसमें बहुत सारे ऑप्शन पूछे हैं रिफ्लेक्शन के और डायरेक्ट स्ट्राइकिंग के, तो इसलिए हमने दोनों सॉल्व करके देख लिया। सोर्स रेस्ट पे वॉल को एज अ ऑब्जर्वर ट्रीट करते हैं जब इंसिडेंट होती है, तो वॉल आ रही है टूवर्ड्स द सोर्स, तो ऑब्जर्वर फ्रिक्वेंसी बढ़ा रहा है, तो हो गया ये फॉर्मूला एफ डैश का। फिर बात करते हैं कि ये वॉल रिफ्लेक्ट कर देगी, तो अब जब रिफ्लेक्ट करेगी तो ये वॉल बन जाएगी सोर्स और ऑब्जर्वर बन जाएगा वो जो पुराना वाला सोर्स है। तो इसका मतलब क्या है, सोर्स बढ़ाने का ट्राई कर रहा है, तो नीचे क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है? और ये जो एफ डैश यूज किया था वो यहाँ पर एफ डैश गिवन है, तो दोनों को यूज करेंगे तो फाइनल एफ का ये फॉर्मूला है। सेम फॉर्मूला ट्राई किया इसने फ्रिक्वेंसी के साथ देने को, तो हमें पता है कि अगर फ्रिक्वेंसी का ये फॉर्मूला है तो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, जबकि इसने वेवलेंथ के फॉर्मूले में चेंज नहीं किया, इसलिए आंसर भी करेक्ट नहीं है, ठीक है? तो 17 ओके, 17 में मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होगा। 18 बात कर लेते हैं। तो यार 18 में देखें कि ये एक R1 सरफेस है, ये एक R2 सरफेस है और एक मिरर है, तो पहले हमें सबकी पावर निकाल लेनी होती है। मैंने समझाया भी था कि अगर हमें फाइनल पावर चाहिए तो क्या होती है, 2 times ऑफ मिरर की पावर और लेंथ की पावर, डन। तो अब हमें देखना है कि यार क्या होगा, तो मिरर की तो कुछ चेंज नहीं होती ना मटेरियल वगैरह रखने से, तो मिरर तो कॉन्वेक्स ही रहेगा। प्रॉब्लम है कि लेंस को चेक कर लो कि लेंस किसकी फीलिंग देगा, तो अगर हमने n माइनस वन, 1/R1 - 1/R2 किया, तो उसकी वैल्यू से साफ पता चल रहा है कि ये आंसर क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब हमारा लेंस भी क्या है, कॉन्वेक्स है। तो बेटा लेंस भी अगर कॉन्वेक्स है और मिरर भी कॉन्वेक्स है, तो फाइनल आंसर क्या आने वाला है, कॉन्वेक्स। तो मैंने पूरा नहीं सॉल्व किया क्योंकि मैंने नोट्स में काफी जगह लिखा दिया है ऐसे क्वेश्चन। तेरे नोटबुक का नोटबुक मतलब ऑलमोस्ट सेम ही क्वेश्चन, हां बिल्कुल सिमिलर पैटर्न है, बस ये है कि अगर उतना पूरा सॉल्व करना पड़ता तो क्वेश्चन काफी लेंदी हो जाता, इसलिए सिर्फ डेटा पूछा हुआ है क्योंकि ये पेपर ऑलरेडी काफी लेंदी है। चले क्वेश्चन नंबर 19 देख लेते हैं। 19 भी यार स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन, कैपेसिटर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन हीट लॉस क्या होता है, 1/2 C इक्विवेलेंट यानी 1/2 C1 C2 / C1 + C2 V1 - V2 का स्क्वायर। ये सॉरी गलत है, ये V बाहर होता है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर होता है, इस तरीके का होता है। तो बस C1 C2 की वैल्यू रख दी, डायरेक्ट आंसर आ गया हीट का। ओके 20 नंबर भी यार स्ट्रेट फॉरवर्ड नोट्स का क्या बताया है कि अगर एक टनल में, कहीं पे भी टनल में, एक चीज याद रखना, जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो, कहीं पे R/2 R/4 कहीं पे भी टनल डिग करके अगर डाल दिया एक पार्टिकल को, उसका टाइम पीरियड हमेशा आता है 2π√R/g जितना, ठीक है? तो अभी हमें पूछा है कि वो टॉप से सेंटर तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो मतलब मैक्स पोजीशन से सिर्फ उसे कहां तक आना है, मीन पोजीशन तक आना है, मतलब T/4 टाइम लगेगा, और हमने T/4 कर दिया यहाँ पे, ठीक है? ओके
ठीक है स्टार्ट करते हैं यार, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। तो 21 का देखें तो ये वीन्स कांस्टेंट का लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन आ चुका है, लैम्डा इनटू टी कांस्टेंट है, t1 बाय t2 देखेंगे तो हो जाएगा लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1, ठीक है, और उसमें लैम्डा 2 बाय लैम्डा 1 की वैल्यू लगी तो टी की वैल्यू आ गई, और अगर एनर्जी वगैरह कुछ पूछेगा एमएसयू पावर वगैरह तो वो टी टू दी पावर 4 के फॉर्मेट में चलेंगी, ठीक है। सो 1/16 सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारा। सो ऑफ कोर्स इंटीजर टाइप थोड़ा सा रिलैक्सिंग था इस पेपर पे, इंटीजर टाइप काफी रिलैक्सिंग था। बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन, अच्छा कॉन्सेप्ट है, क्या है इस क्वेश्चन में पूछा हुआ है, क्या पूछा है यार, एंगुलर मोमेंटम पूछा हुआ है, एल पूछा हुआ है। तो एंगुलर मोमेंटम तो डायरेक्टली हमें पता है क्या होता है, आई ओमेगा होता है, और आई निकालना हमें पता है, लाइट रॉड है इसलिए कुछ लोग तो रॉड का भी यहाँ लिख देते हैं, रॉड का नहीं आएगा ना क्योंकि उसका तो मास ही नहीं है कुछ, सिर्फ पार्टिकल का आएगा कितना mr² वाला, तो mr² दोनों का लिख दिया, एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू आ गई आई ओमेगा, ठीक है। तो ये तो काफी इजी था। 23 बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, और मैं बार बार बोलता हूँ कि ये डेटा तो याद रख लो, दो पक्का एग्जाम ओरिएंटेड, क्या कि जब एक हिंज रॉड को यहां से जस्ट छोड़ते हैं तो एमजी बैलेंस नहीं कर लेता रिएक्शन को, इसके पास एक इनिशियल एक्सेलरेशन आ जाता है, मतलब नीचे की तरफ एक फोर्स लगता है, तो जिसके वजह से हमने चेक किया था कि ऊपर रिएक्शन कितनी लगती है, कोई बता सकता है वैल्यू, जस्ट रॉड को छोड़ते हैं तो हिंज में कितनी रिएक्शन आती है? g/4। ओके वेरी गुड, mg/4, वेरी गुड, याद रखना यार काम आएगा। तो रिएक्शन कितनी आती है? mg/4। अब इसे हमने पूरा छोड़ दिया तो ये जब यहाँ तक पहुंचेगा तो कितना आ जाएगा रिएक्शन सेम, तो वो भी मैंने बताया था कि 3/2 हो जाती है, वो याद रख लो, बट लेट्स से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि यार सेंटर ऑफ मास यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा वर्टिकल होने में, मतलब mgh which is mgl/2 कन्वर्ट हो जाएगा हाफ आई ओमेगा स्क्वायर में, आई कितना होगा ml² / 3, तो हाफ हाफ कट हो गया, ओमेगा की वैल्यू आएगी √3g/l। तो ये पता चल गया कि ये रॉड में इतना ओमेगा आएगा, तो मुझे पता है कि mg तो यहीं से पास हो रहा है, rx भी यहीं से पास हो रहा है, तो कुछ टॉर्क लगेगा क्या? नहीं, टॉर्क जीरो है मतलब अल्फा क्या होगा? जीरो, और अगर अल्फा जीरो है मतलब टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी जीरो। तो दूसरा एक्सेलरेशन बचता है सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, हम किसका निकाल रहे हैं बेटा? सेंटर ऑफ मास का, सो हो जाएगा ω² × r सेंटर ऑफ मास, तो हमने सेंटर ऑफ मास की डिस्टेंस रखी और हमारा नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो अगर नेट एक्सेलरेशन की बात करें तो वो AC और AT का स्क्वायर रूट के अंदर करते हैं, बट बिकॉज AC नहीं था, सॉरी AT नहीं था, तो सिर्फ AC ही आंसर बचेगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस रॉड में एक 3mg/2 का ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा जब ये रॉड ड्रॉप हो चुकी है, ठीक है। तो उसको मैंने बताया यार सॉल्व कर लो कि रिएक्शन फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है, नेट फोर्स भी ऊपर की तरफ आ रहा है, बट mg अपोज कर रहा था, इसका मतलब रिएक्शन का mg हमारा अपोज कर रहा था, मिलाकर नेट फोर्स हमारा बच गया ऊपर की तरफ, तो इसका मतलब रिएक्शन कितना आ जाता है, दोनों को ऐड कर देते हैं तो आ जाता है 5/2, सॉरी माई मिस्टेक, मैंने 3/2 बोल दिया था, 3/2 फोर्स आता है, रिएक्शन आ जाता है 5/2, ठीक है। 24 स्ट्रेट फॉरवर्ड, बार बार बताया कि मोजलेस फ्रीक्वेंसी लॉ क्या होता है, √fbz-a, फिर मैंने ये भी बताया था कि मैंने b पहले यूज किया, कुछ बुक्स DC पांडे कुछ अदर बुक्स a पहले लिख देती हैं, az-b चलता है, मैंने सिर्फ बताया था कि ये जो a होता है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट होता है, ये के अल्फा के लिए क्या होता है 1 होता है, ठीक है, और ये जो b होता है ये किस पे डिपेंड करता है, बी डिपेंड करता है कि जंप कहां से कहां हो रही है, जंप कहां से कहां हो रहा है, इसका मतलब कौन सा पूछ रहा है, अल्फा पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है, या के पूछ रहा है, एल पूछ रहा है, एम पूछ रहा है, तो बी बिकॉज दोनों के अल्फा है तो बी तो सेम रहेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी इनवर्स ऑफ लेमडा होती है, तो f1/f2 की जगह क्या आएगा, λ2/λ1, z1-1, सो λ2 है 4λ, कैंसिल किया वैल्यू आ गई 2, और ये 51-1 y-1 सॉल्व कर दिया, y की वैल्यू आ गई 26, क्वेश्चन में बोला है कि y+4/10 बताओ, तो वो आ गया क्या 3, ठीक है। 25 बहुत फेमस क्वेश्चन, और मैंने बहुत मल्टीपल टाइम्स बताया हुआ है, क्या करते हैं यार थ्रेड बना दो पूरे, तो देखो थ्रेड बना दिया यार, पहला थ्रेड, दूसरा थ्रेड, तीसरा थ्रेड, और ये फोर्थ जो हिंज है, अब सब थ्रेड की स्पीड, तो इससे कितने थ्रेड कनेक्टेड है 3, और इससे कितने कनेक्टेड है 4, ठीक है,
तो इन सब की स्पीड कितनी है, ये 4-4 है सबकी, ठीक है। और इन सब की स्पीड कितनी है, इन सब की स्पीड है लेट से x x है और ये तो जीरो। अब क्या तरीका बताया था कि जितने लोग इलांगेट कर रहे हैं उनको किसी को बोल दो कि इलांगेट कर रहे हैं मतलब माइनस, और जो कंप्रेस कर रहे हैं वो प्लस, या कुछ भी अपोजिट भी साइन ले सकते हो। तो क्या हो जाएगा, 4x सपोर्ट कर रहे हैं और माइनस 4 × 3 टाइम्स अपोज हो रहा है, तो x की वैल्यू आ गई 3। डन। तो इसका मतलब ये होगा कि पूछ सकता था कि आप ए ब्लॉक की स्पीड कितनी होगी, बट इसने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि सी पॉइंट की स्पीड कितनी होगी। तो इसका मतलब अब हमें स्ट्रिंग को सी तक सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैंने एक स्ट्रिंग ऊपर वाली बनाई और दूसरी को सिर्फ सी तक लेके गया। डन। अच्छा, अब हमें पता है कि यार ये 4 है और ये कितने हैं, 3-3 हैं, और मान लेते हैं कि सी की स्पीड है कुछ वी। तो क्या क्या हो जाएगा, सपोर्ट कौन कौन कर रहा है, वी प्लस 4 सपोर्ट कर रहा है और 2x हमें कंप्रेस करने का ट्राई कर रहा है। तो v प्लस 4 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2x मतलब 6, तो 6 में माइनस हो जाएगा v, तो फाइनल v की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। ठीक है। तो इस तरीके से था। तो इस पेपर में यार हम ध्यान दें तो क्या प्रॉब्लम था कि जो न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन थे काफी फेमिलियर थे, आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते थे। और अगर हम स्टार्टिंग वालों की बात करें तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन कुछ कॉम्प्लिकेटेड थे, कुछ नए नए कॉन्सेप्ट थे, कुछ में नए नए आइडियाज थे, वो सारे आप ध्यान दे सकते थे। अभी बताया यार, किसी को कुछ डाउट है मैं लिंक ऑफ कोर्स ग्रुप पे डाल दूंगा जो भी है, तो अगर किसी को बीच में कुछ डाउट आता है पेपर में वो एक बार रिव्यू कर सकता है, अगर किसी को कुछ सेपरेट डाउट है तो पूछ सकता है। ठीक है। हाँ सर, नहीं। ठीक है, चले यार, तो फिर आज का सेशन फिर कंप्लीट करते हैं, क्लोज करते हैं। ठीक है सर। तो यार और अच्छे से कंप्लीट करो चीजों को। ठीक है सर। इसके बाद मॉक टेस्ट रोक के 20th से फुल लेंथ एडवांस देते हैं, मतलब चलेगा, कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। बट तो मेंस कंटिन्यू करना चाहते हैं तो मेंस के भी कंटिन्यू रहेंगे साथ में, सर, मतलब एडवांस के भी एक्टिव कर देंगे। ठीक है सर, मतलब मैंने और सतीश ने मतलब थोड़ा डिसाइड किया था। ओके ओके चलेगा, तो फिर करता है। तो एक जो 2016 का अपलोडेड है ना, वो सॉल्व कर लेते हैं। एक बार व्हाट्सएप कर दो, एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं बातें। ठीक है, ये लेक्चर मैं यहाँ पे अभी क्लोज करता हूँ। ठीक है, ओके एवरीवन, जो भी डिटेल्स हैं, जो भी थॉट है, कॉल करता हूँ, जो भी प्लान है, आप कॉन्टेक्ट कर ले मेरे से। ठीक है, हाँ सर, ओके एवरीवन, ओके देन, गुड बाय एवरीवन।